माय चैनल। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्लाइकोसाइड्स, राइट। अब मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, साथ साथ में फटाफट से टॉपिक करा रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर बहुत लेंथी हो चुका है, पहले इसकी बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं, राइट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट एंड ब्रीफ में सारे टॉपिक्स को कवर कर दूँ, कोई भी टॉपिक आपका रहना चाहे, और मैं आपको पूरी तरीके से इस चैप्टर के साथ रूबरू करवा दूँ, राइट। सो ग्लाइकोसाइड्स में देखा जाए कि ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, जैसे हमने देखा है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या राइबोज सारे क्या होते हैं, हैमी एसिटल्स होते हैं, राइट। ये सारे क्या हैं, हैमी एसिटल्स, इनकी फॉर्म होती है ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की और राइबोज की एंड डीऑक्सीराइबोज एक्सेट्रा, सबकी ऐसी हैमी एसिटल फॉर्म होती है, बिकॉज ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक में हैमी एसिटल बनाते हैं। बट लेकिन जब मोनोसेक्राइड्स को हम ट्रीट करते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स को हम ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, राइट, मिथनॉल के प्रेजेंस में एंड द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड्स, राइट, मिनरल एसिड्स के प्रेजेंस में हम ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, एसिटल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एसिटल्स, राइट। तो एसिटल्स को हम क्या कहते हैं, ये समझ लो ये मोनोसेक्राइड है, इसके ऊपर मैंने अल्कोहल डाला, मतलब ये एक CH3OH मतलब मिथेनॉल डाला एंड ये HCl डाला, तो ये क्या बन गया, एसिटल बन गया, राइट। एंड दिस एसिटल इज नोन एज ग्लाइकोसाइड या ग्लूकोसाइड, ओके। तो ये दोनों ही नाम हो सकते हैं इनके, बिकॉज यहाँ पर एसिटल्स के कैसे बनते हैं, जहाँ पर OH होता है एनोमर कार्बन में, हमारे पास अल्फा और बीटा फॉर्म होती है ना, जहाँ पर OH होता है O की जगह, OH की जगह पर OCH3 ग्रुप ऐड हो जाता है, एल्कॉक्सी ग्रुप, राइट। सो यहाँ पर इसकी एक रिएक्शन करके मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा, राइट। तो मैं इसकी जो है एक रिएक्शन करता हूँ कि हमारे पास एक पायरानोज स्ट्रक्चर है फॉर दिस ग्लूकोज, ओके। ये ग्लूकोपायरानोज है, इसका फर्स्ट वाला कार्बन एनोमेरिक होता है, तो ये अल्फ़ा हमने ले लिया, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बाकी सारे जो है इसका मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज ये पहले मैंने समझा चुका हूँ, तो काइंडली वॉच दैट वीडियोस पहले वाली, जिसमें कि आपको ये समझ लग जाए कि ये कैसे बने हैं हमारा पायरानोज स्ट्रक्चर, ओके। अब यहाँ पर ये वाला एनोमेरिक कार्बन है, इसमें क्या करेंगे हम, मिथेनॉल ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ओके। एंड यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे जो एनोमेरिक कार्बन है इसका OH रिप्लेस हो जाएगा OCH3 ग्रुप से, एंड बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है दैट रिमेन्स सेम। तो मैं सारे स्ट्रक्चर को एक मिनट लगा के फटाफट बना देता हूँ, ताकि आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। वीडियो को शॉर्ट से इफेक्टिव बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं, एंड काइंडली लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद एवरीवन, ओके। अब सेकंड देखते हैं, ये हमारे पास जो है OCH3 ग्रुप को हम दूसरा इसमार क्या है, बीटा, तो बीटा में हमारा OCH3 ग्रुप ऊपर चला जाएगा एंड बाकी हमारा नीचे रह जाएगा एच, राइट। एंड बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फॉर दी मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। ये मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड है, अब मैं इनकी नेमिंग करता हूँ, अल्फा डी ग्लूकोस मिथाइल, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया ना, अल्फा डी ग्लूकोज के ऊपर क्या आ जाएगा, ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल, यहाँ पर क्या है, बीटा डी ग्लूकोसाइड, ओके। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो फास्ट लग रही है तो काइंडली वॉच दिस वीडियो एट 0.75x, तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस वीडियो का, ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज़ अबाउट द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इनमें क्या है, ये वाले जो हमारे पास एनोमेरिक ग्लाइकोसाइड्स का मिक्सचर है, इसमें जो एनोमर पर OCH3 बॉन्ड बना है, राइट, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है दैट इज़ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके। तो ये आपने याद रखना है, एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर फॉर दिस। तो नेक्स्ट क्या है, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर क्या है, जो भी आपके पास मोनोसेक्राइड है फॉर द IUPAC ऑफ नेम ऑफ मोनोसेक्राइड, तो हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एग्जाम्पल लेके मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा। इनका जो लास्ट वाला होता है ई, राइट, ये जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं इनके लास्ट में जो ई होता है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद IDE, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस IDE इज ग्लूकोसाइड, तो ग्लूकोसाइड बन गया, प्लस यहाँ पर IDE करें तो क्या बन जाएगा, दैट इज फ्रक्टोज, राइट, तो दिस इज फ्रक्टोसाइड।
इस तरीके से हम इनकी नामकरण करते हैं, जैसे पायरेनोसाइड, फ्यूरेनोसाइड, मैनोसाइड, फ्रक्टोसाइड, कुछ भी हो जाएगा, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसाइड, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपायरेनोसाइड, इस तरीके से हम इनके नेम्स करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पेशल केसेस ऑफ दी ग्लाइकोसाइड, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक इसमें क्वेश्चन जो होते हैं हमारे CSIR नेट में भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको इसके ब्रीफ इंटरव्यू दे दूंगा कि ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा। जैसे कुछ ग्लाइकोसाइड जो होते हैं, इनमें एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक ग्लाइकोसाइड है C12H16O7, जिसका नाम है आर्बुटिन। आर्बुटिन में क्या होता है, आर्बुटिन की अगर हाइड्रोलिसिस करी जाए, व्हेन वी डू दी हाइड्रोलिसिस ऑफ सम ग्लाइकोसाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट एसिड, सो डिल्यूट HCl, या फिर हम इमल्शन बना के इसकी जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास एक आता है हमारा जो सैकराइड कॉम्पोनेंट होता है, दैट इज ग्लूकोज, राइट। तो ये कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, और एक नॉन हाइड कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड आती है, नॉन कार्बोहाइड्रेट फ्रेगमेंट आ जाती है साथ में, तो इस रिएक्शन में हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट फ्रेगमेंट जो है दैट इज हाइड्रोक्विनोन। आपने क्विनोन पढ़ा होगा, तो हाइड्रोक्विनोन ये स्ट्रक्चर है, सो इसका नाम जो है अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज हाइड्रोक्विनोन। अब यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ग्लूकोज फ्रेगमेंट यहाँ पर आती है, इसका नाम क्या होता है, दैट इज ग्लाइकोन। इसका नाम क्या है, ग्लाइकोन। ग्लूकोज की फ्रेगमेंट जो भी हमारे पास आएगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट की फ्रेगमेंट जो भी आती है, दैट इज ग्लाइकोन, एंड जो हमारे पास दूसरी विदाउट कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ए ग्लाइकोन। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए ग्लाइकोन एंड ग्लाइकोन इन दिस रिएक्शन, तो आपको ये बताना आना चाहिए। सो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हमारे ग्लूकोसाइड्स को। अब हम नेक्स्ट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, सो लेट मी टर्न द पेज हेयर। अब देखो फ्रेंड्स, हम ईथर बनाना है, हमने ईथर क्या होता है, दैट इज ROR ग्रुप। सिंपली अगर अल्कोहल था तो उसका हमने एल्कॉक्सी ग्रुप बना दिया। ओके, ईथर में क्या होता है, जैसे हमारे पास समझ लो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, इसकी मैं एक कॉन्फर्मेशन ले रहा हूँ, अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोसाइड, मतलब हम एक ग्लूकोसाइड ले लेते हैं। ओके, अब इस ग्लूकोसाइड में क्या होता है, ये हमारा एक एनोमेटिक कार्बन है जिसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, सो ये वाला हमने एनोमेटिक कार्बन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड यहाँ पर हमारे बाकी सारे कार्बन्स के आगे, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आपको स्टीडियो केमिस्ट्री में अच्छे समझ आ जाएगी। कन्फिग्रेशन में एक्सियल और इक्वेटोरियल का रोल क्या होता है, ये टेढ़ा और सीधा क्या है, जो भी आपको सीधा नीचे की तरफ डाउनवर्ड दिख रहा हो, दैट इज़ योर इक्वेटोरियल, मतलब ये देखो यार, ये डाउनवर्ड या अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, एंड जो थोड़ी टेढ़ी लाइन दिख रही होगी, दैट इज़ योर इक्वेटोरियल। ओके, ओ सॉरी, एक्सियल। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा पता लगना शुरू हो जाएगा, दिस इज मिथाइल अल्फा डी ग्लूको पायरोनासाइड, पायरानोसाइड, सॉरी पायरानोसाइड है। ओके, अब इस पर हमने क्या डाला, NaOH डाला इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल सल्फेट। हमने पहले भी मिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करी है, सारे जो OH ग्रुप्स होते हैं दैट आर कन्वर्टेड टू OCH ग्रुप्स, एंड ये हमने करी क्यों है, क्योंकि हमने बनाना था, मिथाइलेशन करनी थी इसकी, मतलब हमने ईथर बनाना था, तो हमने ROR ग्रुप्स बनाने थे। सो यहाँ पर ऑल व्हेन ऑल दी OH ग्रुप्स आर कन्वर्टेड टू OCH3 ग्रुप्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो दिस इज एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, या फिर पर मिथाइलेशन कहते हैं इसे। ओके, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में करेंगे क्या, ये फिर से ये जो है चेयर फॉर्म बना देंगे, बोट फॉर्म नहीं है, स्टेबल होती इसकी, तो हमने चेयर फॉर्म में किया ये। ओके, तो ये यहाँ पर सेम ही था, ये जो कॉन्फ़िगरेशन तभी सेम ही रहेगी, बस ये ओ की जगह, OH की जगह पर OCH3 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी OCH3H, फिर यहाँ पर H OCH3 एंड CH2 OCH3 एंड यहाँ पर H। इस तरीके से हमारे पास मिथाइल इसका नेम दे देते हैं, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर दूसरा पेन देते हैं, मिथाइल 2, 4, sorry, 2, 3, 2 पर 3 पर 4 पर और 6 पर 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मिथाइल। ओ मिथाइल मतलब ऑक्सीजन के साथ लिंकेज करेगी है मिथाइल की, अल्फा डी ग्लूको पाय रैन
साइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ईथर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। अगर हमने नेम करना हो तो हमने सिंपली हमारे पास जो ग्लूकोसाइड है उसके आगे मिथाइल ग्रुप्स के नेम लिख देते हैं। ओके, तो ये पर मिथाइलेशन को अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस से करें, इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो ने हमारी उस पर जो ओ एच होता है OCH3 ये वाला, तो ये हो जाता है OH में चेंज। तो ये हमारे रिंग साइज को डिटरमिन करने में यूजफुल होता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा ही हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो एस्टर्स के फॉर्मेशन करने के लिए अब हम लेते हैं हमारा न्यू पेन, दैट इज अवर ब्लैक पेन। तो ब्लैक को यूज करते हैं क्योंकि हमारा ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विद द डाइसैकेराइड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स में क्या करेंगे, एस्टर ग्रुप क्या होता है, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड OR। जैसे हमारे पास एक कीटोन ग्रुप होता है उसका R लगा होता है, यहाँ पर OR लग जाएगा। ओके, या फिर एसिड का OH जो है वो OR से चेंज हो गया, तो ये कोई भी आप समझ सकते हैं, दैट इज अ एस्टर। तो एस्टर में क्या होता है, जैसे हमने अब हमने क्या लिया, फिर से हमारी एक ये वाली फॉर्म ले ली, चेयर फॉर्म, दैट इज फॉर दी अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ चेयर फॉर्म, हम यहाँ पर ग्लूकोसाइड नहीं ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं ओनली। ओके, ये आपने याद रखना है कि अब हमने ग्लूकोज को लिया। तो इसमें क्या करेंगे, इस चेयर फॉर्म में, सॉरी चेयर फॉर्म, हाँ चेयर फॉर्म में हम क्या डालेंगे, एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो क्या हो जाएगी, इनकी एसिटाइलेशन हो जाएगी, सबकी एसिटाइलेशन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एस्टर्स बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये एच है, यहाँ पर ओ जो था ओ के साथ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 जुड़ जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर ओ के साथ क्या जुड़ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। सेम वे हमारे पास यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ था सी डबल बॉन्ड ओ CH3, यहाँ पर ओ एच था तो ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। इसी तरीके से लास्ट वाले में CH2O सी डबल बॉन्ड ओ CH3, और ये हमारा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले ही था। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन, जिसमें कि हमने पेंटा एसिटाइल ग्लूकोपाइरानोसाइड बनाया, एंड यहाँ पर हमारा क्या बन गया, दैट इज अवर एस्टर। ओके, तो ये हमारी कुछ रिएक्शन थी, कुछ हमारे मेन प्रॉपर्टीज थी हमारे मोनोसेक्राइड्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद डाइसेक्राइड्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच।